The union cabinet on Saturday approved the unified pension scheme which will provide government employees with assured pension post retirement the scheme will be effective from April 1 2025 according to the government announcement now this has been a major political agenda used by opposition opposition ruled states like Himachal Pradesh in 2023 Rajasthan in 2022 Chhattisgarh in 2022 and Punjab in 2022 have reverted the old pension scheme Thus, ahead of the upcoming round of assembly elections in Jammu and Kashmir, Haryana, Maharashtra, and Jharkhand, the centre's announcement of a novel pension scheme is a major political development. Now, here is all you need to know about the UPS and the context in which it is being implemented. The UPS promises retirees a fixed pension amount, unlike the NPS. This was one of the major criticisms of the NPS by government employees. According to the Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav, the UPS has five key features. एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमिटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी इस स्कीम के पांच पिलर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुरियल साइंस बोलते हैं उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50 परसेंट अश्योर्ड पेंशन ये इस यूपीएस एस का सबसे पहला पिलर है इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के बारह महीनों की एवरेज बेसिक पे का फिफ्टी परसेंट होगा मैं रिपीट कर रहा हूँ अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ ट्वेल्व मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन उसका फिफ्टी परसेंट होगा और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी ट्वेंटी फाइव ईयर्स पच्चीस वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है सेवा की है तो उसको फुल पेंशन फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रपोशनेट पेंशन रहेगी प्रोरेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज़ की एक रिक्वायरमेंट थी डिमांड थी तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले इमिडिएटली पहले जो पेंशन थी अमाउंट था उसका सिक्सटी परसेंट मिलेगा एम्प्लॉय के डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउज को ये सेकेंड पिलर है थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन अश्योर्ड मिनिमम पेंशन टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब पंद्रह हजार रुपये पर मंथ हो जाती है विच इज़ अ सब्सटैशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे अश्योर्ड पेंशन अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा डी आर डी ए की जगह डी आर डीएनएस रिलीफ पांचवा पिलर है इस स्कीम का लमसम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुटी ये एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी जब सुपर एनुएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं इसलिए ये लमसम एक अमाउंट तय किया गया यह है कि हर छः महीने की सर्विस के लिए मंथली एमोल्यूमेंट्स स पे एंड डी ए कम्बाइंड उसका टेन परसेंट अमाउंट तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा जैसे मान लीजिए किसी का थर्टी ईयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब छ महीने की सैलरी समनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना करीब करीब छ तो उसको छ महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डी ए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा ये पांच पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा ऑप्शन रहेगा कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम उसमें ऑप्ट कर सकता है प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा आज एम्प्लॉयज 10% परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करती थी यानी 10 प्लस टेन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता था लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ा के फोर्टीन परसेंट किया था जो केंद्र सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाके फोर्टीन परसेंट किया था दैट इट सेल्फ वॉज बिग कॉन्ट्रीब्यूशन बिग जम्प इन दीब्यूशन अब वो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़कर एटीन पॉइंट फाइव परसेंट हो जाएगा वो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ के एटीन पॉइंट फाइव परसेंट हो जाएगा ये स्कीम वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव से लागू होगी तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स पोर्टल वोटल सब बनने होंगे रूल्स रेगुलेशंस वो सारे बन जाएंगे फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव से फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव से लागू होगी ये स्कीम और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं एन पी एस में उन सब को ये ऑप्शन मिलेगा वो यू पी एस में शामिल हो सकते हैं मेडिकल री एम्बर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉज़ को जो कि बहुत बड़ी वैसे भी मेडिकल रियम्बर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है वो चेंज नहीं है